दोस्तों कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उससे रिलेटेड बुक्स मैं अपने फेसबुक पेज @atulkumar_09 पर पोस्ट कर दिए, जिन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यहाँ पर शेयर किए, अमेजन की लिंक पोस्ट किए, वर्ग 3 की बुक्स और CTET की बुक्स सफलता के बहुत करीब आपको ले जाती है। तो दोस्तों जो आप कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो। आज का एक कमेंट है जो मैं लेकर आया हूँ और हमेशा आप पूछते चले आ रहे हो, क्योंकि आप परीक्षा परिणाम का वेट कर रहे हो। वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इस चक्कर में बहुत से लोग दुखी हैं और बहुत से लोगों के अंदर गुस्सा है। तो इस दुख और गुस्सा का क्या कारण है और किससे हम कैसे इससे बच सकते हैं, उसके बारे में आज बात करूँगा। तो पहले कमेंट पढ़ देता हूँ। सर, परीक्षा परिणाम का इंतज़ार करते करते थक गए हैं, अब कब तक आएगा? और इससे बहुत से लोगों के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा भी है और थोड़ा बहुत उनके अंदर दुख भी है। अकॉर्डिंग भगवद गीता, जो इंसान दुख और क्रोध में फंस जाता है वो अपने विचारों को नष्ट कर लेता है। ध्यान देना इस बात पर, अकॉर्डिंग भगवद गीता कहती है कि यदि आपके विचार ही नष्ट हो गए तो फिर आप उन्नति कैसे करोगे, आपका जो विजन है वो कैसे सफल होगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। दो तरह के विचार चलते हैं हमारे देश में, एक होता है भारत जोड़ो, एक होता है भारत तोड़ो। भारत जोड़ो भी एक विचार है जो माननीय प्रधानमंत्री का है और वो हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ लोगों का वहाँ पर लिमिटेड लोग हैं, वो कहते हैं भारत जोड़ो, तो उनके विचार अलग होते हैं। यदि विचार खत्म कर दिए जाए, यदि किसी इंसान की ये कहा जाए कि आप भारत जोड़ो को जो है आंदोलन उसे छोड़ दिया जाए, तो फिर उसके जो भी विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे और फिर इस दिशा में वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमारे पीएम मोदी के सबसे बड़ा सपना है कि अखंड भारत हो, उसी के लिए सब जो भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी भारत के सच्चे सिपाही हैं, जो भी भारतीय हैं, वो इसके लिए दिलो जान से लगे हुए हैं और हर तरह से आपकी जितनी भी वैमनस्यता फैलाई जाती है उसे हटाने की पूरी पुरजोर कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो ये है विचार एक। तो ऐसे ही आपका विचार है कि आपको जॉब चाहिए। जॉब कब मिलेगी? जब आप उस लेवल तक अपनी पढ़ाई कर लोगे। पढ़ाई कब कर लोगे दोस्तों? जब आपके अंदर क्रोध और गुस्सा नहीं होगा। यदि गुस्सा है, हम भगवद गीता के अकॉर्डिंग बात करें, क्रोधी व्यक्ति जो होता है उसे दुश्मनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका क्रोध उसे स्वयं ही नष्ट कर देता है। भगवद गीता के अकॉर्डिंग हम दुख की परिभाषा जाने तो दुखी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से दब जाता है और अपनी उसकी जो परिस्थितियां हैं वर्तमान उसे ही वो नष्ट कर देती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे कि आप बेहतर रूप से समझ सकेंगे। एक इंसान है, वो समुद्र के बीच में फंस गया है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। अब वो इस बात से दुखी हो जाए कि यार मुझे समुद्र के बीच में फंस गया, किलोमीटर तक पूरा समुद्र है, इसे मैं तैर कर भी पार नहीं कर सकता। इस बात से वो दुखी हो गया और दुखी होगा तो वो क्या करेगा, प्रयास करना पहले बंद कर देगा। वो अब प्रयास ही नहीं करेगा और सीधा निढाल पड़ जाएगा कि अब सीधा मृत्यु का इंतजार करना है, क्योंकि अगर मैं प्रयास भी करूँ तो किलोमीटर तक का जो समुद्र है उसे पार करना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। तो वो प्रयास करना बंद कर देगा और अपनी मृत्यु को गले लगा लेगा। वहीं यदि वो दुख से उबर आया और अपनी जो वर्तमान परिस्थिति है, यानी कि वो समुद्र के बीच में फंसा हुआ है, उससे वो लड़ते हुए, मेहनत करते हुए, कोशिश करते हुए आगे बढ़ेगा तो बहुत चांस है कि वो किनारे पर पहुंचकर अपनी जीवन बचा लेगा। क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति अपनी बातों को बिल्कुल सही मानता है कि वो जो कह रहा है, जो कर रहा है, जो समझ रहा है वो सही है और बाकी सब गलत है। जबकि दुनिया में ना कोई चीज़ सही होती है ना कोई चीज़ गलत होती है, आपके देखने का नज़रिया होता है। एक नज़रिया ये कहती है कि भाई गिलास है वो आधा खाली है और एक नज़रिया ये कहता है कि भाई गिलास आधा भरा हुआ है। नज़रिए की बात है, इसमें दोनों ही सही हैं। तो ना तो कोई चीज़ गलत है ना कोई चीज़ सही है। तर्क क्या है, देखने का तरीका क्या है, उस पर निर्भर करती है कि वो चीज़ आपको सही लगेगी या गलत लगेगी। बहुत से लोगों को पढ़ाई अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को नहीं लगती है। अब इसमें आप तर्क वितर्क में उलझ जाओगे तो इसी में फंसे रहोगे कि पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जिन्हें अच्छी लग रही, जिन्हें आगे बढ़ना है, जो उसका महत्व समझते हैं, वो पढ़ाई करते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप जब वेट कर रहे हैं हमारे रिजल्ट का, और रिजल्ट भी यही कहा जा रहा है कि पी भी बंद होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले अपने जो भी रिजल्ट है वो सब जारी कर देगा। और इस महीने में पी भी जैसे बंद होने जा रहा है तो इस महीने में रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन उसके चलते आपको दुख या क्रोध में नहीं पड़ना। ये आपके विचारों को नष्ट करेगा दोस्तों। और जब आपके विचार ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर आगे का आप क्या सोचोगे? मीन्स यदि आप दुख में चले गए तो अभी आपकी जो परिस्थिति है, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि आपके जो गरीबी से आप
गुजर रहे हैं, बहुत से भाई बहनों के कमेंट्स आते हैं, सर हमारा एक गरीबी का दौर चल रहा है, प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें भी काफ़ी मेहनत हो जाती है, उसके बाद हमने पढ़ाई भी जारी रखी, अब फाइनली हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो उससे वो दुखी हो गए। ठीक है, अब इस दुख से क्या होगा कि उनकी जो वर्तमान परिस्थितियाँ उनसे उनका पूरा फोकस हट चुका है, अब वो इसी में बींद गए हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप सिर्फ वीडियो वो देख रहे हो जिसमें ये बताया जाए कि कब आपकी फाइनल डेट है, कब आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद भर्ती कैसे होगी, इन चीज़ों में आप उलझ गए हो। तो उन्हें तो फ़ायदा है जिनके, जैसे कि वीडियो के लिए क्या जरूरी है, व्यू जरूरी है, और व्यू के लिए क्या ज़रूरत है कि ऐसे दुखी लोग या जो क्रोधी लोग हैं वो आएँ और व्यू बढ़ाएँ और एक डिबेट सी हो जाए उनके बीच में, चाहे कमेंट्स को लेकर एक कहेंगे ये सही बोल रहे हैं सर, एक कहेंगे ये सही नहीं बोल रहे, उसमें उलझ के रह जाएं, तो उनकी जो वर्तमान परिस्थिति है उनसे टोटली उनका ध्यान हट गया है। सेकेंड ये है कि अभी हमारे पास क्या मौका है, यदि मान लो शिक्षक भर्ती नहीं होती तब भी आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर ही रहे थे, और शिक्षक भर्ती आने के बाद भी अपनी लाइफ में आपने एक पढ़ाई की, बहुत कठिन एग्जाम दिया वर्ग एक और वर्ग दो का, उसके बाद आप बेट कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपनी जो परिस्थिति है उससे ऊपर उभरने के लिए तो जरूर करना चाहिए, यानी कि आप दुख में हो तो उस समुद्र में फंसे हुए जहां पर आप प्रयास करके किनारे तक पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वो समुद्र के बीच में फंसकर दुखी नहीं होना है और सब चीज़ें नहीं छोड़ देना है कि अब हमें प्रयास नहीं करना है, प्रयास जारी रखना है, अभी भी जॉब नहीं कर रहे हैं प्रयास करें, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत से लोगों ने सी टेट का फॉर्म फिल किया था, 7 जुलाई को उनके एग्जाम हुए, बेस्ट नंबर आए, उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल चुके हैं, आप भी सी टेट कर सकते हो, फिर से फॉर्म फिल होंगे, मैं जानकारी लाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स जैसे आ रहे हैं, रेलवे के जॉब ले सकते हो, SSC के ले सकते हो, अभी PSC में भी आएंगे, बहुत सारे जॉब आने वाले हैं, उसका भी आप तैयारी कर सकते हो, इसका वेट तो आप कर ही रहे हो, और यदि तैयारी के साथ वेट करोगे, यदि आप इस पर फोकस लगा के रखोगे तो दुख तो होना ही होना है दोस्तों, क्योंकि हर दिन दुखी ही होगे कि आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, तो इसकी अपेक्षा यदि हम तैयारी करते हैं जैसे कि वर्ग 3 की भी आप कर रहे होगे और भी, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम का यूज हो रहा है, दूसरा आप प्रयास करना बंद नहीं किया, तीसरा आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, अब इससे हट गया, अब दूसरी तरफ चला गया इसका आपका ध्यान, ये बेटर है दोस्तों। ये सोचना कि ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसकी अपेक्षा ये सोचना कि हमारी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उन्हें हम कैसे बेटर बना सकते हैं, ये बेहतर है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां हैं वो सिर्फ आप ही जानते हो, ना तो अतुल शर्मा जानते हैं, क्योंकि वो तो अपनी परिस्थितियों में है और उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो उसे डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो आप डील कर रहे हो, और उसे कैसे बेहतर तरीके से आप डील कर सकते हो, उससे कैसे उभर कर सामने आ सकते हो, उसमें भी आपको जैसे रुपये की जरूरत है, मनी की जरूरत होती है, जो भी गरीबी से निकल रहे हैं, परिवार की पूरी जवाबदारी है और आपने सोचा था कि अब जॉब लग जाएगी तो वो हमारी एक प्रॉब्लम तो कम से कम सॉल्व हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम अभी आपकी बनी हुई है, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ये आपके हाथ में है दोस्तों, ये आपकी परिस्थिति के हाथ में, कुछ ना कुछ होगा आपके आसपास यदि आप ध्यान हटाकर और इन चीजों पर केंद्रित करोगे कि हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है उससे कैसे ऊपर उभरा जाए, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन अपने अंदर से मिलेगा ही दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। जहां तक क्रोध की बात आई, गुस्से की बात आई, तो वो आपके विचारों को सीधे नष्ट करता है, और जहां पर विचार खत्म हो जाते हैं वहां पर इंसान की सोच खत्म हो जाती है। क्रोध में नहीं आना है दोस्तों, क्रोध किस बात का दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं जानते हो कि जो भी एग्जाम होते हैं और जैसे रिजल्ट निकलते हैं उसके बाद बहुत कम लिमिटेड पोस्टें होती हैं, आप खुद देखो कि 20,000 पोस्टें वर्ग 1 में मान लो, 10,000 से ऊपर वर्ग 2 में मान लो, दोनों विभागों की मिलकर उसमें कितने लोग लगेंगे, सिर्फ इतने ही लगेंगे, 30,000 लोग लग जाएंगे, 32 लग जाएंगे, 33,000 लग जाएंगे, फॉर्म कितने भरे हुए, 6 लाख, तो सिर्फ 33,000 लोग लगने हैं, बाकी 6 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, तो वो सारे तो लगेंगे नहीं, तो वो भी कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे वो, और उन्हें इससे सीख मिलेगी कि हमने वहां पर वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्जाम दिया था जो बहुत टफ था, उसमें हमने बेहतर किया था, तो अब जो एग्जाम उस लेवल से सरल होगा तो उसमें तो उनकी चांसेस बन जाएंगे, है ना। जो इंसान सिविल सर्विसेज यानी कि IAS देकर आया है और उसमें उसका इंटरव्यू तक पहुंच गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो इंसान यदि कोई कॉम्पिटिशन में बैठता है तो उसके चांसेस कितने हैं, 100% है, क्योंकि उस लेवल से वो कम लेवल पर जा रहा है और वहां पर वो एग्जाम देगा तो डेफिनेटली उसके सिलेक्शन हो जाएंगे। तो यहां पर गुस्से की और दुखी होने की आवश्यकता है ही नहीं दोस्तों। और सेकंड यह है कि आप बहुत बार ये कहते हैं कि सर किसी चैनल वाले ने ये वीडियो डाला, अब इसके पक्ष में या विपक्ष में आप कुछ कहें,
तो ये ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये उलझाने वाली बात होती है। एक चैनल आपने जितनी भी चैनल देखे होंगे, चाहे हमारे शिक्षक भर्ती से जुड़े हों, चाहे कोई और चैनल हो, उनकी अपनी सोच होती है, उनकी अपना गाइडेंस होता है, उनका अपना एम होता है, लक्ष्य होता है। हर एक चैनल का अपना लक्ष्य है, अपनी गाइडलाइंस है, उसी के अनुसार वो वीडियो बनाते हैं। तो किसी ने भी कोई भी वीडियो बनाया, जैसे कि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन, तो मैं कहता हूं कि आप वर्ग एक और वर्ग दो के एग्जाम दे चुके हो, तो आपसे समझदार व्यक्ति कोई नहीं है। आप नोटिफिकेशन समझने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपने वर्ग एक का सिलेबस समझ लिया, वर्ग दो का सिलेबस समझ लिया, उसमें अच्छे नंबर लेके आए, नोटिफिकेशन आपको कोई बड़ी बात है? आप नहीं समझ पाओगे क्या? कोई भी यूट्यूबर नहीं होता। मान लो कि 2011 में यूट्यूब का इतना चलन नहीं था, उस टाइम तो इतनी वीडियो भी नहीं आए थे जितनी 2019 में आए शिक्षा भर्ती को लेकर, तो क्या उस टाइम भर्ती नहीं हुई थी? उस टाइम आपने सिलेबस नहीं समझा था? उस टाइम आपने एग्जाम नहीं दिए थे? बहुत से भाई बहनों ने एग्जाम दिए 2011 में और फिर अभी भी दे रहे हैं। और फिर आपने विभिन्न कॉम्पिटिशन नहीं दिए हैं क्या? आपने नोटिफिकेशन नहीं जाना है क्या? जितने भी कॉम्पिटिशन देते आए हो, तो आपको नोटिफिकेशन समझने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सभी समझे हुए हो, आप सब नोटिफिकेशन का मतलब समझते हो, है ना? तो अतुल सर समझाए ना समझाए, कोई व्याख्या करे ना करे, आपको पता है, क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो का आप कंपटीशन दिए हुए हो, तो आपसे समझदार कोई व्यक्ति है ही नहीं दोस्तों। और जो आपको समझदार ना माने, मैं मानता हूं कि इस जमीन पर उससे मूर्ख व्यक्ति कोई है ही नहीं है। आप सबसे समझदार हो जो वर्ग एक और वर्ग दो के इतने कठिन दौर से गुजर कर इतने अच्छे नंबर लाए। भले ही आपके नंबर कितने भी आए हों, लेकिन वर्ग एक और वर्ग दो में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। ये कोई सरल एग्जाम नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई सरल एग्जाम नहीं था। जो इसे सरल मान रहा है वो या तो एग्जाम में बैठा नहीं है या उस योग्यता में आता नहीं है। बहुत कठिन एग्जाम था। तो आपसे समझदार व्यक्ति कौन होगा जिसे नोटिफिकेशन की व्याख्या पता नहीं होगी? क्या मुझे नोटिफिकेशन समझाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। और जहां पे आवश्यकता पड़ेगी वहां डेफिनेटली मैं लाऊंगा, क्योंकि मेरे वीडियो पर मैं बिल्कुल जवाब दे ही हूं हर एक वीडियो पर कि मैंने ये डाला था। तो आप पूछ सकते हो सर ये बताया था तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल मैं दूंगा। लेकिन बहुत से लोगों का क्या रहता है कि बहुत से लोग जैसे एक काम करते हैं कि हम कोई टॉपिक लाएंगे, जैसे मैं हूं, कोई गलत टॉपिक लाया मैं और आपको मैंने बता दिया। अब आप दूसरे चैनल पर जाकर पूछोगे कि अतुल सर ने ऐसा कहा है। अब बाई चांस उसने उसके पर वीडियो बना दिया, तो यहां पर क्या हो गया कि मेरा टॉपिक चल गया। अब मैं दूसरा टॉपिक क्या लाऊंगा? फिर से लाऊंगा कोई ऐसा ही, फिर उस पर वीडियो बने तो मैं सफल हो गया। अब मैं अपने हर एक टॉपिक में ऐसे ही लाता चलूंगा जिससे कि सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो उलझ के रह जाएं और अपना जो उनका एम है, जो उनका लक्ष्य है, उसे भूलकर वो इन्हीं चीजों में लग जाएं। तो ऐसा होना नहीं है, क्योंकि हर एक यूट्यूबर्स की सोच अलग होती है, हर एक यूट्यूबर से हर एक चैनल की गाइडलाइंस अलग होती है, उसका मकसद अलग होता है। तो मेरा मकसद एक है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है उसे एक ज्वाइनिंग मिल जाए, और उसे एक ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो खुशी होगी मेरे लिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कभी भी व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर के लिए वीडियो ना बनाकर आपकी बेहतरी के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं हमेशा वो टॉपिक लाता हूं कि मुझे व्यू मिले ना मिले, लेकिन मेरा जो वीडियो देख रहा है उसका थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए, वो एक जुनून के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करने लग जाए। क्योंकि एक बहुत सुंदर लाइन है, मैंने बहुत बार फॉलो करता हूं, कि उसमें कहा गया है कि ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। तो जुनून के अलावा आपके पास कुछ चीज़ नहीं है जो आपको कंपटीशन में फाइट करके एक पोस्ट दिला सके। यदि आप जुनूनी इंसान हो तो 10 लाख लोग फार्म फिल करेंगे और 1000 वैकेंसी निकलेगी, उसमें से भी आप पोस्ट ले जाओगे। वो आपका जुनून है, क्योंकि जुनून आपको रुकने नहीं देगा, थकने नहीं देगा, क्रोध में नहीं आने देगा, दुख में नहीं आने देगा। उसका एक ही मकसद होगा जुनून का कि मुझे एक पोस्ट चाहिए, मुझे एक पोस्ट चाहिए, और वो उसी हिसाब से पढ़ाई करेगा। और चाहे 10 लाख क्या 10 करोड़ फार्म फिल भी हो जाएंगे, तब भी उसका जुनून कम नहीं होगा। और जब आप क्रोध या दुख में आते हैं तो वहां पर आपका जुनून कम हो जाता है। तो ये नहीं करना है दोस्तों। तो हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, मोटिवेटेड रहना है, जुनूनी रहना है, और जो भी एग्जाम अब सामने आने वाले हैं उन्हें क्रैक करना है हर हाल में। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो में लाते रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।